हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो आज की डेट में आ चुकी है यहाँ पर कि कैंडल देखते ही साथ आपको पता चल जाएगी यहाँ से एग्जिट करनी है या नहीं करना है। आपने कैंडल देखी तुरंत यहाँ पर आप इजीली सही प्राइस पे यहाँ पर एग्जिट कर पाएंगे और आपको पता चल जाएगी कि हाँ किस तरीके से किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी पोजिशंस में, इवन निफ्टी 50 में आपने किसी में फ्यूचर ऑप्शंस में पोजिशन ले रखी है, सब में आप इजीली एग्जिट कर पाएंगे और सही टाइम पे यहाँ पर फिर अगेन एंट्री लेके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आपको जब भी वीडियो मिले आप वीडियो यहाँ पर देख सके और यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर वीडियो देख के सीख सके, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी कर सके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई भी पोजिशन बनाइएगा और जितना हो सके सीखने की कोशिश करिएगा। और हमारे यहाँ पर इस नंबर पर आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करिए, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दे और लास्ट तक वीडियो में बने रहे। तो हम वीडियो में चलते हैं और जानते हैं। देखिए, आपने देखा है मार्केट में आज अच्छी खासी गिरावट हुई और ये कुछ स्टॉक्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आए और ये स्टॉक्स मार्केट में तेजी थी तब भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था। तो हम बात कर रहे हैं लोधा डेवलपर्स की, हम बात कर रहे हैं माइक्रोटेक डेवलपर्स की। लोधा काम क्या करता है उससे रिलेटेड, देखिए प्रॉपर्टी का शेयर खरीदिए, ओके, यहाँ पर अब उनमें एक बूम आता हुआ दिखाई देगा और माइक्रोटेक डेवलपर एक अच्छा खासा यहाँ पर आपका जो स्विंग ट्रेड की बात की जाती है या फिर लॉन्ग टर्म की, तो ये स्टॉक्स एक बेहतरीन स्टॉक्स है। इसकी प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पर अच्छे, यहाँ पर काफी जगह पर यहाँ पर प्रेजेंस में रखता है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। रियल इस्टेट के बिजनेस में इट इज अमंग द लार्जेस्ट रियल इस्टेट डेवलपर इन इंडिया विद अ प्रेजेंस इन MMR, मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन एंड द पुणे मार्केट। तो मुंबई और पुणे में यहाँ पर इसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। एज वेल एज यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल 21 द कंपनी हैज एंगेज इन डेवलपिंग 50 ऑनगोइंग एंड प्लांट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अक्रॉस 75 प्लस मिलियन स्क्वायर फुट ऑफ एरिया। तो यहाँ पर अच्छा खासा इनका प्लान चल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर न्यूज आ रही है, देखिए चाइना में अगेन यहाँ पर न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है कि लॉकडाउन लगता हुआ नजर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, और 2 साल में जितना यहाँ पर वहाँ तबाही नहीं हुई वो तबाही अब होती हुई नजर आ रही है। तो अगर दोबारा से यहाँ पर लॉकडाउन हो सकता है और अगेन यहाँ पर लोग दोबारा परचेज करने के लिए यहाँ पर भागते हुए नजर आएंगे और ऑलरेडी काफी लोग यहाँ पर परचेज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइक्रो यहाँ पर अच्छी खासी इनकी सेल्स होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक ब्रांड है, काफी बड़ा यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर करता हुआ दिखाई देता है। मुंबई में आप जाएंगे तो लोधा के नाम से एक पूरी की पूरी सिटी बसा रखी है वहां पर, आपको एक अलग ही वहां पर आपको दिखाई देगा एक बेहतरीन जगह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर द टाइम द कंपनी हैज क्रिएटेड सेवरल ब्रांड्स इंक्लूडिंग लोधा कासा क्राउन फॉर इट्स अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट, लोधा लोधा लग्जरी ब्रांड्स फॉर इट्स प्रीमियम एंड द लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड आई थिंक लोधा एक्सलस लोधा सुप्रमस एंड लोधा सिग्नेट ब्रांड फॉर इट्स ऑफिस स्पेसेस। तो यहाँ पर काफी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। और यहाँ पर देखें तो ये एक लीडिंग कंपनी है, अगर बात करें यहाँ पर मुंबई के रीजन में काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी नजर आती है। तो एक बार जाके इनकी वेबसाइट पे आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर सब चीज यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर हम कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो देखिए 49,961,50,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पीई की बात करें 51 का पीई है और यहाँ पर इंडस्ट्री का पीई 28 है। तो स्टिल यहाँ पर शेयर महंगा मिल रहा है और बेहतरीन शेयर हमेशा आपको महंगे ही मिलेंगे। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर सस्ते मिल जाएंगे तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो शेयर यहाँ पर सस्ते मिलते हुए नजर आते हैं। आरओसी आरओई यहाँ पर कुछ खास नहीं है, नेगेटिव ही यहाँ पर आरओई नजर आता है, आरओसी 7% के आसपास है। डेट की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 200% के आसपास का यहाँ पर डेट भी है और प्लेजिंग की 33% यहाँ पर इन्होंने शेयर प्लेज भी कर रखी है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बात करें, देखिए फेस वैल्यू 10 की है और 1539 रुपए से शेयर यहाँ पर क्रैश होकर लगभग 1036 पे चल रहा है, लगभग 500 रुपए की एक अच्छी खासी 50% की यहाँ पर गिरावट, यहाँ पर 50% तो नहीं कहेंगे, लगभग 30-35% की गिरावट नजर आती है। तो यहाँ पर अगर इसके रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, अच्छे खासे तरीके से भागी, अगेन यहाँ पर पैंडमिक की वजह से चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी और अगेन कंपनी ने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। और अभी की भी जो सेल्स थी हम देखे तो ईयरली बेसिस पे काफी बेहतरीन यहाँ पर सेल्स नजर आती थी और यहाँ
यहाँ पर बात करें प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट का मार्जिन दिखाई देता है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 4.93 का ईपीएस 5.93 हो गया है। और स्टैंड अलोन नंबर भी अगर हम देखेंगे तो स्टैंड अलोन नंबर भी इसी तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आएंगे। ईपीएस थोड़ा सा कम नजर आता है बट स्टिल ईयरली बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर बेहतरीन है। और यहाँ पर बात करते हैं ओपीएम की, तो ओपीएम यहाँ पर अच्छा खासा नजर आता है बट कंसोलिडेट नंबर देखेंगे हम यहाँ पर इधर। इसके अलावा हम बात करते हैं इस शेयर के ईयरली बेसिस परफॉर्मेंस की, तो ईयरली बेसिस का परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं। एक ब्रांड है, एक बड़ा नाम है, तो कंपनी की कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही थी, बीच में एक आध बार डाउनसाइड भी आया था बट अभी की बात करें कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दोबारा दिखाई देने यहाँ पर शुरू कर दिया है। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अगेन यहाँ पर अच्छा खासा इस साल को छोड़ दिया जाए 2019 को, तो पिछले 12 महीने में 970 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देता है। तो कंपनी धीरे धीरे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दोबारा देना शुरू कर दिया। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर देख सकते हैं 7000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है। बोरोइंग की बात करें कंपनी के पास लगभग 15000 करोड़ की बोरोइंग भी है। और बोरोइंग को यहाँ से अगर हम रिलेट करें तो ऑब्वियसली बात है इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं तो ये अपना पैसा नहीं लगाते, ये हमेशा लोन लेके ही यहाँ पर पैसा लगाते हैं। स्टिल यहाँ पर रिजर्व्स अच्छे खासे हैं। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें 241 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है। और कैश की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 700 करोड़ के आसपास का कैश भी है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। और जो भी पैसा यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी बेचते हैं यहाँ पर पैसा इनका आता रहता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी तक सेबी का यहाँ पर रूल फॉलो नहीं हुआ है, इनका शेयर अभी 2021 में ही आता हुआ दिखाई दिया था। तो अभी इन्हें 3 साल के अंदर अंदर एक जो 75:25 का होना चाहिए वो कर देंगे। और यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत बेचा भी था इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो अगेन यहाँ पर 75 का रेशो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिए, प्रमोटर्स का अच्छी खासी होल्डिंग है। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, देखिए लगभग 8% से 15% हो गई है। डीआईएस के पास भी लगभग 1.18% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 1.33% की होल्डिंग है। तो इस शेयर को बताने के पीछे रीजन क्या है, इस शेयर को बताने के पीछे का रीजन ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर घर खरीदने के इच्छुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर सबको अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए, छोटे घर वालों को बड़ा घर चाहिए, जिनके पास जो किराए पर रहते हैं वो यहाँ पर घर छोटा घर खरीदने जा रहे हैं, तो हर सेगमेंट में ये कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। और मुंबई और आसपास के एरिया में ही, मुंबई और पुणे में ही काम करती हुई दिखाई देती है। और दोनों ही यहाँ पर एक फाइनेंशियल सिटी और एक आईटी सिटी के रूप में यहाँ पर उभर के आ रहा है। तो इस शेयर की तरफ आप निगाहें बना सकते हो और शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए गिरावट जब मार्केट में हुई यहाँ पर से, अगर हम देखें फेब से, तो यहाँ पर गिरावट हुई और यहाँ पर गिरावट कुछ खास नहीं हुई। यहाँ पर शेयर केवल 1400 रुपये से यहाँ पर 1030 रुपये तक ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर दूसरे शेयरों की बात करें तो दूसरे शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दिए और ये उसी रेंज में यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक अच्छे खासे यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है मुझे और यहाँ से चीज़ें ऊपर जाती हुई नज़र आती है। तो जब मैं अतरंगी स्टॉक्स KPIT की बात कर रही थी, जब IT के स्टॉक्स भाग रहे थे वो गिर रहा था और जब दूसरा आईटी के स्टॉक गिर रहे हैं तो वो इस तरीके से भागता हुआ नजर आता है। सेम एज इट इज यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो वो तो यहाँ पर भागता हुआ नजर आया आज के दिन में। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ गोदरेज प्रॉपर्टी एज वेल एज दूसरे प्रॉपर्टीज के शेयर आप देखेंगे तो वो भागते हुए नजर आ रहे थे। ओके, बट अगर हम बात करें ये लास्ट में गिरते हुए दिखाई दिया। बट यहाँ और ये लोधा डेवलपर की बात करें तो ये शुरुआत से ही गिरा हुआ था, जब मार्केट गिर नहीं रही थी तभी मैंने यहाँ पर ये बाइंग कर लिया था जब ये नीचे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन है, सबसे पहले इस चीज को याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर शेयर में आज ही पोजीशन बनाई है। इस शेयर को बताने के पीछे रीजन यही है कि यहाँ पर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो और शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे कि इतना टारगेट, हम सिंपली बात करेंगे कि आप शॉर्ट टर्म के लिए भी स्विंग ट्रेड भी करते हैं तो 3 से 6 महीने में मुझे ये टारगेट आते हुए नजर आते हैं और ये शेयर यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देता हुआ नजर आ सकता है। तो 20 से 30% के अगर आपके टारगेट मीट हो जाते हैं तो और क्या चाहिए हमें यही टारगेट चाहिए होते हैं, ज्यादा के पीछे हम यहाँ पर भागते नहीं है। चीजें 200 डीएमए के नीचे आ गई है और बेहतरीन चीज है जब भी 200 डीएमए के नीचे आ जाए तो याद रखिए उसे बाइंग करने की हमेशा कोशिश करिए। चीजें थोड़ा बहुत टाइम जरूर लेती है पर चीजें भागना शुरू करेगी तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के टारगेट की मैंने यहाँ पर बात कर ली है, शॉर्ट टर्म में यही टारगेट बन रहा है। आगे चार्ट पैटर्न क्या बनेगा
उसके ऊपर यहाँ पर डिसाइड होगा कि शेयर यहाँ पर क्या कहना चाहता है। तो अभी कोई ऐसा खास चार्ट पैटर्न यहाँ पर दिखाई नहीं देता, बट चीजें यहाँ पर अच्छी खासी नजर आती है। तो इसे यहाँ पर 20 से 30% के टारगेट के लिए आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, ले सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। एक अच्छे खासे सपोर्ट पे यहाँ पर शेयर चल रहा है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर और इससे पहले यहाँ पर यह इसने कंसोलिडेट किया था इस पर्टिकुलर पीरियड में। और नीचे और बात करें कि अगर शेयर गिरता है तो कहाँ से जा सकता है, तो अगेन ये यहाँ पर लगभग 50 से 100 रुपये यहाँ पर नीचे जा सकता है। ये एक इसका सपोर्ट हो जाएगा। और इसके बाद ऊपर की लेवल की बात करें तो ऊपर के लेवल पे तो यहाँ पर यह शेयर नजर आते ही है। इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर निकालता है फिर ये रेजिस्टेंस लेवल निकलेगा 1541, जो इसका ऑल टाइम हाई था, और उसके बाद चीजें ऊपर और जाती हुई दिखाई देंगी। बट अच्छे रिजल्ट पर डिपेंड करेगा सब चीज। तो अभी रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट का सीजन शुरू होने वाला है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अंदर ये शेयर शायद आपको 20 से 30% के रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि तब से गिर ही रहे, उठ नहीं रहे। जब ये उठना शुरू करेंगे तो 20% के रिटर्न मिल ही जाएंगे। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, जितना हो सके सीखने की कोशिश करनी है, और जितना सीखोगे उतना यहाँ पर थोड़े स्टार्टिंग में पैसा जरूर ना बने बट लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और जितना हो सके सपोर्ट करें, प्यार करें हमारे इस चैनल से, लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियोस को, और दूसरी हमारे इस पर्टिकुलर नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।